हाय फ्रेंड्स, मैं जमाल और आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं एंड्रॉयड का एक नया वीडियो, एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज का एक नया वीडियो, वो है शेयर्ड प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस का आइडिया पहले हम समझते हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट क्या है शेयर्ड प्रेफरेंसेस का। देखिए, शेयर्ड प्रेफरेंसेस, अगर मैं एक आपको ईजी सा एग्जाम्पल पहले समझाता हूँ, उसके बाद कोड को समझेंगे। देखिए, सपोज कर लीजिए कि मेरे पास एक फाइल है। ठीक है, हमने एक फाइल क्रिएट किया। फाइल क्रिएट करने के बाद हमें इसमें कुछ लिखना है, तो बेसिकली वी नीड अ पेंसिल। सो विद द हेल्प ऑफ दिस पेंसिल हम क्या करेंगे, इस फाइल के अंदर लिखेंगे। फाइल के अंदर लिखने के बाद हमें एक कमांड चाहिए होता है, सपोज हम कंट्रोल प्लस एस दे के उसे सेव कर देंगे। तो क्या किया हमने, सबसे पहले बेसिकली पहले एक फाइल क्रिएट किया, फिर हमें एक एडिटर लगा, फॉर दिस वी टुक अ पेंसिल हेयर। उस पेंसिल से हमने इसमें राइट किया, राइट करने के बाद हमने उसे क्या कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया, तो सेव हो गया वो। कुछ ऐसा ही शेयर्ड प्रेफरेंसेस है। शेयर्ड प्रेफरेंसेस बेसिकली कुछ भी नहीं होता, वो एक एक्सएमएल का फाइल होता है। तो उस एक्सएमएल फाइल को पहले हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर कंटेंट लिखने के लिए वी नीड अ एडिटर। फिर हम एक एडिटर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इस एडिटर के ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम क्या करते हैं, कंटेंट लिखते हैं इसके अंदर। ठीक है, जब ये कंटेंट हम पूरा लिख लेते हैं, तब हम क्या करते हैं, तब हम कमिट कर देते हैं। वहाँ हम सेव कर रहे थे, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम कमिट कर देंगे। आई बात समझ, एकदम आसान भाषा में शेयर्ड प्रेफरेंसेस बेसिकली कुछ नहीं, एक XML का फाइल होता है जो डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर में जाके क्रिएट होता है एंड्रॉयड में। हम करते क्या है, बस शेयर्ड प्रेफरेंसेस को ऑब्जेक्ट जैसे ही बनाएंगे उसके वैसे ही ये क्या होगा, ये पहले तो ये फाइल क्रिएट होगा, उसके बाद इसके अंदर हमें जब राइट करना है तो राइट करते समय हमें क्या करना होगा, एडिटर का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो ये एडिटर का ऑब्जेक्ट फिर क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ दिस एडिटर ऑब्जेक्ट वी कैन राइट समथिंग इन दिस फाइल। हम कुछ के इस फाइल के अंदर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को राइट कर सकते हैं। राइट करने के बाद बेसिकली यहाँ हम कंट्रोल एस कर रहे, तो यहाँ हम कमिट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई, ये था राइटिंग का। अब हमें क्या करना है, रीड करना है। देखिए, बेसिकली फाइल को रीड करने के लिए कभी भी आपको एडिटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए जब हम रीड करेंगे ना, तो बस जब ये जो ऑब्जेक्ट होगा, ये फाइल का नाम यही सफिशियंट होगा, उस फाइल के नाम से ही इस जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमने इसके अंदर लिखे हैं, उन सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट टू। पॉइंट थ्री, वापस जब हमें डिलीट करना होगा, अगेन वी नीड एडिटर। अगेन फिर से हमें एक एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी, उस एडिटर से हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को पकड़ के डिलीट कर देंगे। ये जो हमने राइट किया ऐसे डिलीट करेंगे, ये जो हमने राइट किया ऐसे डिलीट कर देंगे, ये जो हमने राइट किया उसे डिलीट करेंगे, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एस करना पड़ेगा इस केस में, और हमारे एंड्रॉयड प्रेफरेंसेस केस में आपको फिर से कमिट करना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, फाइल पूरा का पूरा जो कंटेंट उसके अंदर लिखा गया था, वो पूरा कंटेंट डिलीट हो जाएगा और सेव हो जाएगा। आई मेरी बात समझो। तो इस वीडियो में हम बेसिकली तीन चीज़ कवर करेंगे। सबसे पहली तो शेयर प्रेफरेंसेस का फाइल बनाएंगे और उसके अंदर कंटेंट राइट करेंगे। फिर दोबारा दूसरे एक और फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे जिसके अंदर हम शेयर प्रेफरेंसेस का डेटा को रीड करेंगे, और अगर उसके अंदर डेटा होगा तो डेटा दिखाएगा, डेटा नहीं होगा तो डेटा नहीं दिखाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा हमें क्या करना है, तीसरा हमें शेयर प्रेफरेंसेस का डेटा को फिर डिलीट करना है। ठीक है, शेयर प्रेफरेंसेस का डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। चलिए, तीन बात तो हो गई, तो अब चले चलते हैं हम कोड में। कोड में जाके देखेंगे कि इसका काम कैसे किया करना आपने को। कोड में आते हैं, ये हमारा एंड्रॉयड वाला फाइल है। एंड्रॉयड फाइल XML में चलते हैं। ठीक है, XML में देखिए, टेक्स्ट में आके देखते हैं ये कौन सा लेआउट है, कॉन्स्ट्रेंट लेआउट। इस डॉट से कॉन्स्ट्रेंट लेआउट तक सेलेक्ट करते हैं, इसे डिलीट करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं लीनियर लेआउट। जैसे लीनियर लेआउट, नीचे भी लीनियर लेआउट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। दो टेक्स्ट बॉक्स यूजर से लेते हैं, या चलिए आसानी के लिए हम एक ही टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। तो एक एडिट टेक्स्ट हमने लिया, इसका जो विड्थ है वो मैं मैच पैरेंट कर देता हूँ, और जो हाइट है वो रैप कंटेंट कर देता हूँ। मार्जिन टॉप मतलब ऊपर से कितना टॉप लेगा, सपोज 100 dp। आईडी मैं इसका बना देता हूँ t1 इसका आईडी होगा, और जो इसका टेक्स्ट साइज होगा वो टेक्स्ट साइज हम दे देते हैं सपोज 30 sp। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे आके ये टेक्स्ट बॉक्स बन गया है ना। चलिए इसके अंदर हम हिंट दे देते हैं, इंटर
योर टेक्स्ट। तो देखिए यहाँ क्या दिख रहा है, एंटर योर टेक्स्ट, ठीक है। अब इसके नीचे ना मुझे तीन यहाँ पे तीन हॉरिजॉन्टल सेक्शन में तीन बटन चाहिए, वर्टिकल में नहीं चाहिए। तो यहाँ देखिए ये जो अच्छा यहाँ पे आपको ना ओरिएंटेशन देना पड़ेगा। ये ओरिएंटेशन मेरा क्या है, वर्टिकल है, मतलब नया कंटेंट क्या होगा इसके नीचे आएगा। तो देखिए अगर हम एक बटन देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर एक बटन हम देते हैं, सो बटन जो विथ होगा रैप कंटेंट, हाइट भी रैप कंटेंट। अब इसका आईडी तो मुझे ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट टेक्स्ट मैं दे देता हूँ ऐड ऐड डेटा, ठीक है। चलिए इसको बंद करते हैं, और जो फॉन्ट साइज जो इसका मार्जिन टॉप है वो मार्जिन टॉप हम 30 दे देते हैं, 30 एसपी। अब देखिए एक बटन आ गया ना ऐड डेटा का, तो अब ये नीचे, अब अगर एक और बटन हम लेते हैं, ठीक है, और इसमें हम दे देते हैं व्यू डेटा, ठीक है। देखिए तो ये क्या नीचे है, मुझे चाहिए, मुझे इसके बगल में लगना है, इस ऐड डेटा के बगल में व्यू डेटा, व्यू डेटा के बगल में डिलीट डेटा। तब आप क्या करो कि यहाँ से इस एडिट टेक्स्ट के बाद वाला जो कंट्रोल है उसमें आप फिर से एक लीनियर लेआउट ले लो, ठीक है। सॉरी नॉट लिस्ट व्यू, हमें लेना है एक लीनियर लेआउट, ठीक है। जो इसका विड्थ होगा वो रैप कंटेंट होगा, और जो हाइट होगा वो भी रैप कंटेंट होगा। और इसे यहाँ क्लोज कर देते हैं, और बाकी इसके अंदर जो दो बटन हमने बनाए हैं वो इसके अंदर रखते हैं। और इसका ओरिएंटेशन क्या होगा, इस लीनियर लेआउट का ओरिएंटेशन होगा, इसका ओरिएंटेशन होगा हॉरिजॉन्टल, ताकि बगल में आए, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम इसका जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी हम कर देते हैं सेंटर, ठीक है। अब देखिए अगेन बगल में, जैसे कि मैंने दिखाया था ये जो विथ है वो मैंने रैप कंटेंट किया था, तो अभी इसका जो विथ है आप क्या करो, मैच पैरेंट कर दो। तो ये क्या होगा, फुल स्क्रीन में आएगा, सॉरी मैंने हाइट मैच पैरेंट कर दिया, ये वाला मैच पैरेंट करते हैं और ये वाला हाइट रैप कंटेंट करते हैं। देखिए आ गया ना। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को करना है तीसरा बटन डिलीट डेटा। तो इसी बटन को हम फिर से कॉपी कर लेते हैं, एक और बनाते हैं और डिलीट डेटा, ठीक है। चलिए देखिए तीन टेक्स्ट बॉक्सेस बन गए, ऐड डेटा, व्यू डेटा, सॉरी तीन बटन बन गए डिलीट डेटा, ठीक है ना। चलिए हाइट को थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, इसके जो हमारा लीनियर लेआउट है, ठीक है, एकदम ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हाँ बटन का जो टेक्स्ट साइज है ये आप चेंज कर सकते हो, बहुत छोटा आ रहा है। तो बटन का जो टेक्स्ट साइज है इसे मैंने दे दिया 20 dp, और यहाँ से इसे हम कॉपी करते हैं, इसके अंदर डालते हैं, फिर इसके अंदर भी डाल देते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम, तो बटन्स भी थोड़े थोड़े बढ़ गए हैं, ऐड डेटा, व्यू डेटा और डिलीट डेटा, ठीक है। अब इन सारे का जो रिपोर्ट है वो हमें कहाँ दिखेगा, वो हमें दिखेगा नीचे एक टेक्स्ट व्यू में। तो वो मैं इस लीनियर लेआउट के बाहर लूँगा, यहाँ मैं एक ले रहा हूँ एक टेक्स्ट व्यू विथ उसका रैप कंटेंट, ये भी रैप कंटेंट, और ये जो टेक्स्ट साइज है इसे हम कर देते हैं 30 dp sp, और फिर इसका आईडी अपने को लगेगा, सो आईडी टीवी ही ले लेते हैं। चलिए ठीक है, देखिए बिल्कुल उसके बगल में है, तो इसमें क्या करते हैं हम थोड़ा सा मार्जिन टॉप ले लेते हैं, ज़रा सा मार्जिन टॉप लिया हमने 20 dp। देखिए यहाँ आप अपने को कंटेंट दिखाएगा। अब इसका आपको अगर वर्टिकल अलाइन ठीक करना होगा, लेआउट ग्रेविटी आप इसे कर दो सेंटर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। देखिए ये बीच में चला आया है ना। चलिए अब ये नेक्स्ट अपने को क्या करना है, ऐड पे एक फंक्शन क्रिएट करना है, व्यू पे एक फंक्शन क्रिएट करना है, और डिलीट पे एक फंक्शन क्रिएट करना है। चलिए तो ये ऐड वाला बटन है, यहाँ पे हमने क्या किया, ऑन क्लिक, ठीक है,
ऐड डेटा एक फंक्शन हो जाएगा। अब व्यू में क्या किया, ऑन क्लिक व्यू डेटा, और फिर हमने डिलीट में क्या किया, ऑन क्लिक डिलीट डेटा। तीन फंक्शंस अब आपको यहाँ बनाने होंगे। सबसे तो पहले वो जो आपने एक एडिट टेक्स्ट बनाया है उसका आप एक रेफरेंस ले लो T1, और एक टेक्स्ट व्यू जो हमने बनाया है TV। अब ऑन क्रिएट में जाते हैं, यहाँ पे जाने के बाद अपने क्या करेंगे, T1 में जाके हम लिख लेंगे एडिट टेक्स्ट फाइंड वी बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट T1। ओके, उसके बाद TV इक्वल टू एडिट टेक्स्ट फाइंड वी बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट TV। ठीक है, ये हो गया रेफरेंस का काम डन। अच्छा, ये टेक्स्ट व्यू है तो यहाँ टेक्स्ट व्यू होगा। अब हमने तीन फंक्शंस बनाने हैं, पब्लिक वॉइड ऐड डेटा, ये एक मेथड होगा जिसके अंदर हम डेटा को ऐड करेंगे तो उसके अंदर आपको व्यू को पास करना ही होगा। तीसरा फंक्शन क्या होगा अपना, पब्लिक वॉइड, क्या बनाया हमने तीसरा फंक्शन, व्यू डेटा। आप यहाँ से इसे कॉपी कर लीजिए और व्यू को, उसके बाद तीसरा फंक्शन है पब्लिक वॉइड डिलीट डेटा। ठीक है, तो यहाँ से आप डिलीट डेटा में कॉपी कीजिए व्यू। तीनों फंक्शंस हमारे रेडी हो गए, ऐड डेटा, व्यू डेटा और डिलीट डेटा। अब क्या करना है, ऐड डेटा में हमें डेटा ऐड करना है और फिर एक टोस्ट के जरिए ये दिखाना है कि हाँ डेटा स्टोर हो गया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ दिखाया आपको, आप डायग्राम में चले आते हैं, देखिए हमने को फाइल क्रिएट करना है, तब एक एडिटर लगेगा जो उसमें राइट करेगा, फिर उसे कमिट करना है, सेव करना है। तो फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, शेयर्ड प्रेफरेंसेस SP गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस। ठीक है, यहाँ हम फाइल का नाम देंगे, तो हम नाम दे देते हैं डेटा फाइल, उसके बाद मोड देंगे। ठीक है, मोड हम प्राइवेट देंगे ताकि बाहर का एप्लीकेशन इससे डेटा को रीड ना कर सके। अब अपने को क्या चाहिए, मैं भी बताया था एडिटर चाहिए, वो कैसे लेंगे, शेयर प्रेफरेंसेस डॉट एडिटर ED कैसे क्रिएट करेंगे भाई, SP डॉट एडिट। ये हो गया आपका एडिटर भी रेडी। अब अपने को क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस एडिटर वो जो टेक्स्ट बॉक्स का डेटा है उसे इसके अंदर राइट करना है। तो ED डॉट क्या राइट करना है भाई, पुट स्ट्रिंग राइट करना है। चलिए यहाँ पे हम इसका नाम देते हैं यूज़र नेम, और वैल्यू में T1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, चलिए ये हो गया राइट। राइट के बाद आपको क्या करना है, कमिट कर देना है बस, एडिट डॉट कमिट कर दिए तो क्या हो गया, फाइल के अंदर ही परमानेंट स्टोर हो गया। होने के बाद आपको क्या करना है, T1 डॉट सेट टेक्स्ट का डेटा को खाली कर देना है। खाली करने के बाद आपको एक टोस्ट के थ्रू एक मैसेज दिखा देना है, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट दिस, और मैसेज क्या होगा, इंसर्टेड सक्सेसफुली, है ना। कितनी देर दिखाएगा भाई, तो टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग टू सो। ठीक है, इतनी बात एकदम आसानी से क्लियर हुई, बहुत आसान है, बस अपने को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझना है। तो देखिए हमने क्या किया, फाइल क्रिएट किया, कंटेंट में राइट किया और सेव किया। तो यहाँ पे फाइल क्रिएट किया हमने शेयर्ड प्रेफरेंसेस से, इस एडिटर के लिए हमने एडिटर का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद सेव करने के लिए हमने कमिट का इस्तेमाल किया। ये हो गया आपका फाइल क्रिएटेड और रेडी। नेक्स्ट काम क्या करना है, हमें रीड करना है। ठीक है, चलिए मैं फिर एक बात वही बता रहा हूँ, रीड करने के लिए आपको एडिटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, फाइल से ही डेटा रीड कर लेना है। चलिए ये वाला हिस्सा तो लगेगा ही लगेगा, तो वो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब क्या करना है, अब आपको सिर्फ ये बात देखनी है कि एसपी डॉट कंटेन्स क्या भाई, क्या ये यूज़र नेम कुछ कंटेन कर रहा है, इस तरह का कोई फील्ड ये कंटेन कर रहा है। अगर ये फील्ड कंटेन कर रहा है तो क्या करना है भाई, आपको उसका वैल्यू को डिस्प्ले कर देना है। कहाँ डिस्प्ले करना है, नीचे जो हमने टीवी लिया है, सो टीवी डॉट सेट टेक्स्ट, इसके अंदर क्या करना है, एसपी डॉट गेट स्ट्रिंग, और फील्ड का नाम क्या है,
यूज़र नेम और ये वाला और इसका एक ब्लैंक वैल्यू, मतलब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर नहीं होगा तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिस्प्ले करेगा, ये इसके अंदर डिस्प्ले करेगा अगर होगा तो। और अगर ये नहीं होगा तो हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि टीवी में दिखाए डेटा नॉट फाउंड, तो सो टीवी डॉट सेट टेक्स्ट यहाँ दिखा देगा डेटा नॉट फाउंड, ठीक है। या हम इसे टीवी में दिखाते ही नहीं है, हम इसे टोस्ट में दिखाते हैं, टोस्ट डॉट मेक टेस्ट दिस डेटा नॉट फाउंड, और यहाँ हम क्या दिखाते हैं फिर कितना देर तक भाई ये दिखेगा, टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग डॉट शो। तो अगर होगा तो वो आपको दिखाएगा और अगर नहीं होगा तो क्या दिखा देगा, एक टोस्ट में मैसेज दिखा देगा डेटा नॉट, ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए यहाँ तो हमने दिखा दिया व्यू में अगर डेटा होगा तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं होगा तो अपने को क्या करना है, ब्लैंक कर देना है इसका, ठीक है ना, टोस्ट को टोस्ट में डिस्प्ले कर देना है। तो अब आते हैं डिलीट में, डिलीट में भी सेम बातें, डिलीट में एक चीज़ आपको क्या करना है, चलिए तो अभी क्या करते हैं, हाँ अब डिलीट में ये पोर्शन तो अपने को लगेगा ही, तो ये वाला यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद मैं फिर एक बात बताया था, डिलीट में भी आपको एडिटर लगेगा क्योंकि एक एक यहाँ से जो फील्ड को एट्रीब्यूट को यहाँ इसने इंसर्ट किया है, फिर उसे क्या करना है, डिलीट करना है और फिर वापस सेव भी करना है, कमिट भी करना है, तो आपको फिर से एडिटर लगेगा। तो चलिए टाइम बचाते हुए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम उसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब करना क्या है भाई, फिर इफ़ एस पी डॉट कंटेन्स, क्या कंटेन भाई, यूज़र नेम, अगर ये है ठीक है तो क्या करना है, ई डी के हेल्प से ई डी डॉट रिमूव, और किसका नाम, यूज़र का नाम, ठीक है, ये रिमूव कर देना है आपको। चलिए इसका एक मल्टीपल लेते हैं, रिमूव करने के बाद फिर आपको क्या करना है, जैसे ये रिमूव हो जाएगा तो वो जो टीवी है उसे खाली कर देना है, टेस्ट ब्लैंक, ठीक है ना, और फिर क्या करना है, वही टोस्ट में मैसेज दिखाना है कि डिलीटेड सक्सेसफुली। चलिए यहाँ दिखा देते हैं डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। चलिए अब पहले इसे हम रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। चलिए ये मेरा एप्लीकेशन रन कर चुका है, ठीक है, अभी हम देखते हैं इसमें डेटा एंट्री करके, सपोज हमने यहाँ लिखा है अमित, चलिए हम वैल्यू एंट्री करके देखते हैं, सपोज हमने एंट्री किया सुमन, एड डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, व्यू डेटा सुमन, हमने डिलीट किया सक्सेसफुली, व्यू डेटा, देखिए यहाँ पे क्या हुआ भाई, डिलीटेड सक्सेसफुली में कंटेंट यूजर नेम एडी डॉट, यस हमने कमिट नहीं किया, ठीक है, देखिए सो एडी डॉट कमिट, अगर हम सेव नहीं करेंगे तो फाइल में कंटेंट सेव नहीं होगा, तो एडिट और मतलब इंसर्ट और डिलीट दोनों में कमिट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब हम वापस से इसे रन करते हैं और देखते हैं क्या अपडेट, वापस में डिलीट हुआ या नहीं। चलिए अभी हम वापस एक नया कमेंट डालते हैं, सपोज अमित, देखिए इंसर्ट सक्सेसफुली, व्यू अमित डिलीटेड, व्यू रिकॉर्ड नॉट फाउंड, चलिए नया एंट्री कर लेते हैं किरण, एड डेटा व्यू डेटा डिलीट डेटा व्यू डेटा, अब व्यू डेटा में आते हैं, अगर ये नहीं है तो वो टोस्ट में डिस्प्ले कर रहे हैं, चलिए यूज़र नेम अगर नहीं है तो मैच कर गया तो ठीक है, वो क्या कर रहा है टीवी में दिखा रहे हैं, और अगर मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है तो क्या होगा, सबसे पहले तो टीवी का जो डेटा दिखा रहा है उसे वो खाली कर देगा, ब्लैंक कर देगा, या फिर टीवी में ही दिखा देगा डेटा नॉट फाउंड, ठीक है ब्लैंक कर देते हैं, कोई इशू नहीं है।
चलिए दोबारा से हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं और ये हमारे डिवाइस में इंस्टॉल हुआ और लॉन्च हुआ। चलिए फिर से हम डालते हैं सुमन, ऐड डेटा करते हैं, इंसर्ट हो गया, व्यू डेटा व्यू हो गया और डिलीट डेटा डिलीट हो गया। अब हम व्यू डेटा देखने की कोशिश करते हैं तो क्या दिखा रहा है हमें, देखिए डेटा नॉट फाउंड दिख रहा है ना, डेटा नॉट फाउंड। तो इस तरह से ये तीनों काम हमने किया, हमने इंसर्ट भी किया, व्यू भी किया और डिलीट भी किया। होप कि ये सारा चीज़ आपको एक एक करके समझ में आया हो और ये बहुत आसान है और ये लॉगिन लॉगआउट में बहुत काम आएगा, चाहे वो लॉगिन लॉगआउट हम एसक्यूएल आईट के थ्रू करें या माई एसक्यूएल के थ्रू करें या किसी के भी थ्रू करें, ये जो शेयर्ड प्रेफरेंसेस है ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो इसे ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।